हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्माज एक्टिविटीज़। आज मैं लंच में बना रही हूँ समर स्पेशल दही बड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी भी रेसिपी शेयर की जाए। मैं दही बड़े बनाऊँगी और साथ में पूरा लंच प्रिपेयर करूँगी और फिर भोग लगा के हम सभी लोग खाएंगे। तो मैं किस तरह से दही बड़े बनाती हूँ, आइए मेरे साथ में। मैं देखिए पहले तो उड़द दाल ले लेती हूँ और इसमें एक मुट्ठी मतलब मूंग की विदाउट छिलके जिसको मोगर कहते हैं वो ले लेती हूँ। उनको भिगो के और हाथों हाथ अच्छे से पीस लेते हैं। इसमें मैंने क्या किया है, अदरक डाल दी है, एक हरी मिर्च डाल दी है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि दाल को अच्छे से मथनी है पीसने के बाद में। ये जो बैटर तैयार होता है ना, इसको अच्छे से मथना है। नहीं तो क्या होगा कि गर्म तेल में अगर हम ये बड़े बनाएंगे और डालेंगे तो ये फट सकते हैं और ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और जिस तरह का बैटर आपको चाहिए, थोड़ा सा न पतला होना चाहिए न गाढ़ा होना चाहिए, जैसे पकौड़ियाँ बनाते हैं उसी तरह का होना चाहिए, वो मैं तैयार कर लूँगी। और उसके बाद में मैं कढ़ाई चढ़ा के और इनको बड़ों को फटाफट तल लूँगी। ये मैंने आज सुबह ही सोचा कि गर्मी इतनी पड़ रही है तो भगवान को दही बड़े क्यों नहीं खिलाया जाए, इस बहाने से हम भी खा लेंगे। तो मैं ये देखिए दही बड़े तैयार कर रही हूँ और इधर साइड बाय साइड मैंने क्या करा है, इनको गर्म पानी में डालेंगे ना, तो मैंने उधर गर्म पानी का ये एक भगोना चढ़ा दिया, उसमें गर्म हो जाएंगे, फिर दही बड़ों को निकाल करके गर्म पानी के अंदर डाल देंगे। यहाँ पे मेरा गर्म पानी भी तैयार हो चुका है और ये बड़े भी रेडी हो चुके हैं। तो देख लीजिए ये इस तरह से थोड़े थोड़े से ये मतलब ब्राउन या रेड होने लगे, तो इसका मतलब ये अच्छे से अंदर मतलब लो फ्लेम में सेकने हैं जिससे कि ये अंदर से कच्चे नहीं रहे। अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी और फिर गर्म पानी में इनको डिप कर दूँगी और गर्म पानी के अंदर कम से कम 15 मिनट तो मैं इनको रहने दूँगी जिससे कि अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर इनको ठंडे करके, अभी बड़ी सावधानी से करना है क्योंकि बहुत गर्मी है तो गर्म ज़्यादा ही लगता है, इनको फिर मैं निकाल लूँगी और अच्छे से सर्व कर दूँगी। और साइड बाय साइड मेरा लंच भी तैयार हो रहा है। मैंने टिंडे की सब्ज़ी बनाई है, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है और ये फटाफट पराठे सेक के रेडी कर लेती हूँ। दही बड़े मेरे रेडी हो चुके हैं और फिर भगवान को भोग लगाते हैं। आपको मेरे इस वीडियो में वॉइस में भी डिस्टरबेंस आ रहा होगा क्योंकि फ़ैन चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, बहुत गर्मी है ना, इसलिए तो इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर मैं थोड़े ही दही बड़े ले रही हूँ, उसको दही में डिप कर रही हूँ। कि पूरे डिप करने से क्या होता है कि वो सॉफ्ट हो जाते हैं, हम लेट लंच करते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो थोड़ा से लेके और भगवान के भोग लगा के और मंदिर में टिफिन भेज देंगे और फिर हम सब लोग खाएंगे। उस समय पूरे डिप कर लेंगे अच्छे से दही बड़े को और खा लेंगे। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। यहाँ पे मैंने ये देखी भगवान के लिए थोड़ा सा कलाकंद भी मंगवाया है, फ्रूट भी रखे हैं। जो जो हम चीज़ें खाते हैं, जो भी फ्रूट्स खाते हैं, जो भी मिठाई खाते हैं, पहले हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए तुलसी पत्र रख के और उसके बाद में हम खुद उसको प्रसाद रूप में खाएंगे तो अच्छा लगेगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।